तेरे आने से हो याने बाहर दिल नची जावे धक धक के। बेबो मामू ना आपको पसंद करते हैं, कसम से आपके जाने का सुना ना तब से बुखार चढ़ा हुआ है उन्हें, मारे मारे फिर रहे हैं वो घर पे। बेबो क्या आपको भी मामू पसंद है, हैं? सही है तो फिर जा क्यों रही है वो स्वीटी आंटी की वजह से? वजह जो भी हो बस अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, जाना है मुझे। हाँ ये भी सही है, आप जाएंगी तभी तो वो रिश्ता लेके पहुंचेंगे। बेबो आपको मेरी कसम है इनकार नहीं करना रिश्ते से। अच्छा देखूंगी। आपका तो लाहौर आना बड़ा मुबारक साबित हो गया है, मियां जी और अम्मी कितने खुश होंगे, आपकी तो तलाश ही खत्म हो गई। तलाश तो खत्म हो ही गई है ना, तो खुश हो जाए ना। रानिया पागल तो नहीं हो गई? क्या हो गया, इतनी खुशी की बात है? अच्छा सही है, मैं तो बड़ी खुश हूँ, मैं फाइनली परांदा पहनूंगी। क्यों दादी आप समझाएं ना बेबू को, अभी तो ये आई है और जाने की बातें कर रही है। वो असल में आप लोगों को पता है ना कि भाभी और मियाँ जी वहां पर अकेले हैं और मियाँ जी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। पुत्री मैं किस मुंह से तेनु रोका, इस कारे जितनी नहुसत फैली हुई है कि मेरी रूह आप आख दी है कि मैं कितने टूर जाऊं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आ गई है हुन अंग्रेजी चाड़ने दे ले। गाल सुन, तेनु किसी ने सलाम करना नहीं सिखाया है? अम्मा जी मैं तो अपनी स्टाइल में सबको सलाम कर रही हूँ। जैसी तू वैसी तेरा स्टाइल। अस्सलामु अलैकुम। ओए वाह 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 अम्मा जी, क्या खुशबूएं फैली हुई है पूरे घर में, पिछले स्टोर तक जा रही है। आहा हा क्या रौनक लगी हुई है, वाह वाह वाह। मेहनत की कमाइयों तो बंदा सोच समझ के खर्च करता है, यहाँ तो मुफ्त का माल है, जैसे चाओ पकाओ जैसे चाओ खाओ जो चाहे उड़ाओ। ए लड़की जरा मुझे टी बना कर दो। ये ए लड़की क्या होता है, रानिया नाम है इसका। ओहो मैडम रानिया जरा मुझे प्लीज एक कप टी बना कर दे। जी आप चीनी तो नहीं लेगी ना, आखिरकार इस घर में किसी ना किसी को तो आपके हलाल डॉलर्स की बचत करनी है ना। लिसन ज्यादा क्लेवर बनने की कोशिश मत करो, मैं 2 टेबल स्पून शुगर लूंगी क्योंकि ये मेरा माल है और अपना माल खाने में कोई शर्म नहीं होती, समझी? जी दबीर डार्लिंग अब ये घर ना मेरे नाम हो जाना चाहिए। तू केड़ा कारनामा अंजाम कीता है कि एक कार में तेरे नाम ते कर दिया, अपनी सारी जायदाद तेरे नाम ते कर दिया है। गल सुन ए कार मेरे पोते दा है, मेरे वली अहद दा है, ज्यादा राल टपकाने दी लोड नहीं है। दबीर अपनी मदर को कहो कि मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ, वो बीच में इंटरफेयर ना करें। और नाश्ते की टेबल पे तो अपने ये शोशे ना छोड़े यार। मैं कोई शोशा नहीं छोड़ रही हूँ, मैं सही बात कर रही हूँ, मैं हक बात कर रही हूँ। चीटी तू मेरी नरमी दा नजायज फायदा उठा के ना सीटी दी तरह बजदी जा रही है, डर उस वेले तो जदो मैं जलाल विच आ जावा। वाह अम्मा जी वाह, अब आया अम्मा जी को सही वाला जोश। ये घर तो ना मेरे नाम होकर रहेगा। रानिया तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना ना, चल मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। बात सुनो जरा, गाड़ी की कीज यहाँ रखकर जाना, मुझे आज शॉपिंग पे जाना है। तेन शॉपिंग के नहीं, तेन किचन में जाना है, मेरे लिए आमलेट बना के लिया 2 अंडिया दा। तेरी शोखियां ते तेरी गुस्ताखियां ने मैनू रिवायती सास बनन ते मजबूर कर देता है। दबीर तुम अपनी माँ की बातें सुन रहे हो? रानिया ये तमाशा तो अब इस घर में चलता ही रहेगा, तुम चलो अपना बैग लेकर आओ, यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दूँ। हाँ मैं बैग ले आती हूँ। स्वीटी डार्लिंग और ये तुम सास बहू की लड़ाई में ना इंटरफेयर करके, वो मैं गुनाहगार नहीं होना चाहता भाई। ना तू माँ दी सैड लेके गुनाहगार हो जाएगा है? दबीर
अपनी वाइफ को एनिमीज के दरमियान छोड़कर जाने का रिजल्ट जानते हो तुम? नहीं 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 जानते? नहीं नहीं हाँ मैं मर जाऊं। बड़ी हंसी आ रही है तो आप निकाल कर है कहके निकालूंगी मैं तुम्हारे। अम्मा जी देख रही है मलबूस आती और सेनी तो शुद्ध हो जाऊंगा मेरे साथ भेज गई हूँ मैं घर के अंदर भेज गई हूँ। तेरी चिन्ना बुजदिल बंदा मैं सारी जिंदगी नहीं जी। दबीर वापस आओ अपनी जगह पे, वापस आओ अपनी जगह पे। आगे वापस आगे कपट्टी ना होए ते। तो हेलो किधर? मैंने कहा तो था कि मैं ड्रॉप कर दूंगा, आओ बैठो गाड़ी में। थैंक्स बट नो थैंक्स, मैं हमाद चाचू की बाइक पे जा रही हूँ। अब देखो तुम्हारी बाइक के दोनों टायर्स पंचर हैं, अब तुम पंचर लगवाती भी अच्छी थोड़ी लगोगी। कोई बात नहीं मैं ड्रॉप कर देता हूँ, आओ चलो। ये हरकत आपकी है? बड़े बुजुर्ग कह कर गए कि हरकत में बरकत है, अब हर कोई मेरे चाचू की तरह लकी तो नहीं है ना कि बगैर हरकत की बरकत हो जाए। खैर डोंट वरी मैं हूँ ना, मैं ड्रॉप कर दूंगा ना, चलो। मुझे नहीं जाना आपके साथ। क्या अजीब नखरे दिखा रही हो तुम्हें, मैं समझा रहा हूँ बात समझ में नहीं आ रही? देखो मेरा दिमाग पहले ही बहुत शॉर्ट है, बदतमीजी मत करना मेरे साथ, बैठो। आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, आई समझ? अच्छा लिसन 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 लिसन, देखो आई एम सॉरी मैं तुमसे प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सानिया मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, तुम प्लीज मेरे साथ चलो ना प्लीज। मैंने तो आंटी को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मुझे बगैर बताए चली गई। ओए हनी बेटा, ओए चार दिन सुकून की तलाश में आया था मगर मुझे लगता है कि मेरे नसीब में ही नहीं है, यहाँ तो आके मैं प्रॉब्लम्स में ही घिर गया हूँ। आप उन्हें समझाने की कोशिश करें ना। वो तो और क्या कर रहा हूँ हनी बेटा, यही तो कर रहा हूँ मैं, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मगर उसकी मोटी अकल में कुछ आए भी तो सही ना। हनी बेटा 20 साल के बाद आया हूँ मैं अपनी फैमिली को मिलने के लिए, मगर जब से ये औरत आई है ना वो ये घर को उसने अखाड़ा बना दिया, बहू बनने की बजाय पहलवान बनी हुई है यहाँ पे वो। ये तो आंटी बहुत गलत कर रही है। ओए ओए कोई ऐसा वैसा गलत है नहीं बेटा, ओए पूरी फैमिली के सामने मुझे शर्मिंदा करवा दिया उसने। आप फिक्र ना करें, मैं उनसे बात करूंगी उन्हें समझाऊंगी। तू क्या समझा लेगी, वो किसी की बात नहीं समझती, करके देख ले हमें जाया ही करेगी तू कोशिश, मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया हुआ नहीं बेटा। मैं बात करूंगी ना और मैं अपने तरीके से समझाऊंगी और आप देखना उनके अंदर बहुत जल्द एक चेंज आएगा, डोंट वरी। रानिया तुमने उनको क्या बोलूं यार, डैड की वाइफ नहीं होती ना तो मैं भी बताता उन्हें, बचपन से मुझे सिखाया गया कि बड़ों की इज्जत करनी है, जो तो समझ में नहीं आता कि क्या सोच कर उन्होंने वो बात कही है। भाई मेरा घर है, मैं अपना घर उनके नाम क्यों कर दूं, क्या अजीब मुतालबा है यार ये। और तुम भी चुपचाप ओट सी कर उनके सामने बैठी हुई थी, वैसे तो तुम इतनी बदतमीज हो, सबके पड्डे में कूदती हो लेकिन जब मेरी बारी आती है ना तो बिल्कुल चुप हो जाती हो, तुमसे इतना नहीं हुआ कि यार मेरे फेवर में एक लफ्ज बोल दो? वो इसलिए क्योंकि मेरे बड़ों ने मुझे बड़ों की इज्जत करना सिखाया और मैं बदतमीज, तो आप क्या है खुद के बारे में क्या अल्फाज यूज करेंगे? यार ये देखो हाथ जोड़ो तुम्हारे आगे, मुझे तुमसे नहीं लड़ना है इस वक्त प्लीज, यार मैं परेशान हूँ फंस गया हूँ सिचुएशन में, कोई आइडिया कोई मशवरा दो यार, कुछ ऐसा हो जाए कि ये लेडी जो वापस अमेरिका हमेशा के लिए चली जाओ, कभी वापस ना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वासिक, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ये बताएं कि आप कहाँ गायब हैं? बाबा भी आपका पूछ रहे हैं। हाय क्या बताऊं, यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है ना तो बिजी हो गई हूँ थोड़ी सी, लेकिन आऊंगी चक्कर लगाऊंगी। कब आएंगी? बहुत जल्द आऊंगी आप फिक्र ना करें, चलें बाद में बात होती है, टेक केयर हाफिज। मैंने नोट किया जब जब डॉक्टर वासिक की कॉल आती है तुम्हारे चेहरे पे कुछ ज्यादा ही रौनक नहीं आ जाती?
रौनक तो आपके घर में भी बहुत है। मैंने इतराज किया, मतलब अगर मेरी छोटे से मुंह पे थोड़ी सी रौनक क्या आ गई, वो भी हजम नहीं हो रही आपसे। सही कहते हैं भाई, आजकल के जमाने में सभी जल कुकड़े, कोई किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यार एक बात बताओ, तुम जब सबसे बात करती हो बड़े प्यार से, हंस हंस के, खिलखिला के बात करती हो, पर जब मेरी बारी आती है तो इतनी गंदी सी शक्ल क्यों बना लेती हो यार? ऐसी बात नहीं है, वो क्या है ना कि आपकी सड़ी हुई शक्ल देख देख के ना मेरी शक्ल भी ऐसी हो गई है, क्या करें। क्लास कब खत्म होगी तुम्हारी? चेक करने आऊंगा मैं। ये जहमत करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आ जाऊंगी। आप ना घर जाके पलंग तोड़े और अपनी स्टेप मॉम के अगेंस्ट प्लानिंग करें, ठीक है? क्या सोचूं, जिंदगी तो वैसे ही मेरी अजाब बना दी उन्होंने। वो भी क्या टाइम था ना वैसे, जब आपका राज था, कैसे रोब जमाते थे सारे घर वालों के आगे, नए नए कपड़े पहन के, ब्रांडेड कपड़े पहन के शो ऑफ करते थे, हर एक इंसान को दौलत के तराजू में तोलते थे। वैसे ये मिसेस दबीर ने आके ना सही आईना दिखाया आपको। एक बात बताओ, तुम मेरी साइड पे हो या उनकी? नहीं तुमने दुश्मन से हाथ तो नहीं मिला लिया? शहरी लोगों की तरह नहीं है हम, देसी लोग ना बार बार अपनी वफादारियां बदलते नहीं है। क्लास ऑफ होगी तो फिक्र नहीं आऊंगा, और अब बस प्लीज प्लीज कोई बहस मत करना यार। जब से मैं एंटर हुई हूँ ना इस घर में, मैं बड़ी सैड हूँ। ये सब लोग ना मेरे डॉलरों पे एंजॉय कर रहे हैं, इतनी ढेर प्रॉपर्टी बना रखी है इन लोगों ने। खैर मैंने भी फैसला कर लिया है, जब तक ये सारी प्रॉपर्टी मैं अपने नाम नहीं करा लेती ना, मैं वापस नहीं आऊंगी। काम बड़ा मुश्किल है पर मैं भी जिद की बड़ी पक्की हूँ। आंटी आप बहुत मासूम है। वो तो मैं हूँ, पर यहाँ सारा टब्बर बड़ा क्लेवर है, मैं जानती हूँ ये काम इतने आराम से होने नहीं देगा। एक तरीका है मेरे पास जिससे सारी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, वो भी आराम से, बस आपका जादू चलने की देर है। हाँ मुझे पता है तू मुझे कौन सा तरीका बताना चाह रही है। मैंने यहाँ भी बंगाली बाबा ते आमिल बाजी के एड देखे हैं, पर यहाँ के आमिल बाबाओं का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। पता चला कुछ जादू का असर उल्टा ही पड़ गया कि प्रॉपर्टी भी मेरे हाथ से निकल गई। आंटी इसके लिए आपको जादूगर के पास जाने की जरूरत नहीं है, जादू तो आपको खुद चलाना है। मुझे? वो कैसे? आंटी अपना अंदाज बदले, आप लड़ेंगी ना तो सब आपसे मिलके लड़ेंगे। मेरी माने तो मीठी बन जाए, छोटों से बड़ों से सबसे प्यार मोहब्बत से बात करें। ए हनी ये काम बड़ा मुश्किल है, इसके अलावा कुछ और सोच ले। कोशिश तो करनी पड़ेगी, फिर देखिएगा कैसे प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से ना आप उन्हें काबू में कर सकती है। वो आपने नहीं सुना, सॉफ्ट वर्ड्स ब्रिंग विक्ट्री। कहती तू ठीक रही है, ऐ जंग ते मुझे जीतनी है, फैसला तो मैंने कर लिया। जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, मेरा दिल चाहता है मेरे नाम की प्लेट इस घर के बाहर लगी हुई हो, बेगम स्वीटी बिनते चौधरी बूटा। तो बस मेरे फॉर्मूले पे अप्लाई करें, सब सेट हो जाएगा। आ गया दबीर का खबीस सन। आंटी मैंने अभी आपको क्या समझाया था? अच्छा अच्छा ठीक है समझ गई, अब तू देखना मेरी एक्टिंग है। अब बाय, आई होप दिस वर्क्स ऑन हर। आ गया मेरा गोलू बोलू, वेलकम होम स्वीट होम। इन्हें क्या हो गया? इन्हें गर्मी में लू लग गई है, सरसाम हो गया है। सरसाम? वो क्या होता है? अंग्रेज चलोगे आपको छोड़ गए, मेरा मतलब है कि गर्मी दिमाग में चली गई है, उलट गया दिमाग, फरम हो जाते ना दिमाग में, आपको इतना नहीं पता। ठीक कह रही हो, और लगता है कि अटैक बहुत ही शदीद है। देखो 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 कैसे मुस्तकिल मुस्कुराए जा रही है। तुम इन्हें संभालो, मैं फिर सजा के बरामदे कराता हूँ। गुड आइडिया।
अम्मा जी, अम्मा जी मेरी प्यारी अम्मा जी, मेरी 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 एक ही अम्मा जी, मैंने ना एक गुजारिश करनी है आपसे। की गुजारिश करनी है? तू है सिफारिश करनी होगी ना, तूने कोई अपनी बोटी की है? मैं बता रही हूँ मैंने उसकी कोई सिफारिश नहीं मननी। आहो नहीं, सिफारिश नहीं अम्मा जी, मैंने सिर्फ ये कहना था कि स्वीटी जो है ना बुरी नहीं है अम्मा जी, दिल की बहुत अच्छी है, जरा जरा गुस्सा कर लेती है थोड़ा सा। खबरदार जे तू ओदे हक विच कोई गल की थी मेरे सामने, मैं तुम दोनों को इस घर से निकाल के तुम्हारे पासपोर्ट जब्त कर लूंगी। मेरा गुस्सा भूल गया है मेरा ख्याल है। नहीं अम्मा जी भूलिया नहीं, ताड़ी डोइयां दे आली भी निशान मेरी पिठ ते पे होले, माला बड़ी पीड़ होंदी आली भी महसूस होंदी है। मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूँ अम्मा जी कि वो जो मैं हर वक्त कहता था ना कि वो सुपर स्टोर इतना बड़ा अमरीका में मेरा है और स्वीटी का है, स्वीटी भी बार बार उसका जिक्र कर रही है ना, वो हमारा नहीं है। की बकवास कर रहे हैं, खुल के दस। अम्मा जी खुल के ही तो बता रहा हूँ आपको, मैं मेरी बात सुन नहीं रही है, तुसी आराम ना तसल्ली ना मेरी अर्ज से सुन लो ना अम्मा जी। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ अम्मा जी कि स्वीटी के ना चार भाई हैं, तीन बहनें हैं उसकी, उन सातों का भी हिस्सा जो है ना वो उस सुपर स्टोर में है, स्वीटी और मैं कल्ले मालिक नहीं है। हाँ अम्मा जी मैं सच बता रहा हूँ, बमाना मुझे छोटे से दरबे में रहते हैं दोनों मियाँ बीवी। वो बोला स्वीटी जब यहाँ आई और उसने आके ये घर देखा ना जी, तो उसके ना दिमाग में अम्मा जी ये खलल सा आ गया। तो मैं दसा की कर, अपनी बुढ़ी नू लेके जा अमरीका, उधर उसका जाके करा इलाज, उसके दिमाग तक करा इलाज। मैं मर भी जावा ना, ये मकान मैं उस सिटी के नाम नहीं करूंगी। ना करो मैं कह दूं कि रे के मकान होते ना कर दो अम्मा जी। मेरी आराम से बात तो सुन लेना, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ मेरी प्यारी अम्मा जी कि उसके नाम की ना नेम प्लेट करके बाहर लगा दे, खुश हो जाएगी जो थोड़ी देर। तू मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर रहे है। सॉरी अम्मा जी, सॉरी अम्मा जी, अम्मा जी सॉरी। वो ब्लड प्रेशर दिया गोलियां घर पता नहीं है या नहीं, मां जी क्या बात है बेबो, जब से लाहौर से आई हो बड़ी उदास हो। किसी अपने को इतने अरसे बाद देखना और फिर उसको छोड़कर आ जाना अंधे को उदास तो कर ही देता ना। तुम तो रानिया से मिलने गई थी ना, उल्टा और उदास होके आ गई हो, इसीलिए तो मैं उसे मिलने ही नहीं गई। एक बारी मैंने उसे गले लगाना था ना, पर चढ़ना नहीं था, दिल नहीं मानता मेरा। ओए बेबो एक गल दसूं, तुम्हारे लिए ना एक बड़ा ही चंगा रिश्ता आया है, लड़का अमरीके से है, वहां किसी गोरी शोरी से शादी की थी और बनी बुनी नहीं, तो बस फिर अब हूं पाकिस्तान में ना। क्या पाकिस्तान में? अब यहाँ आके दोबारा शादी करके दूसरा तजर्बा करना चाहता है कि चल गई तो ठीक है, ना चली तो टाटा बाय बाय। भाभी मेरी बात सुन लो, मुझे ना ये कोई तजर्बाती शादी करने का कोई शौक वॉक नहीं है, मैं जैसी भी हूँ अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। हाँ भाई इसे क्या, ऐसी चिड़चिड़ी तो नहीं थी ये। रानिया को कॉल करके पूछती हूँ क्या मसले हुए हैं वहां पे। आदाब अम्मा जी। तो भीड़ में तो ख्वाब तो नहीं देख रही? पता नहीं अम्मा जी मन की पता होना, छोटी छोटी वड अम्मा जी देख रहे? नहीं नहीं हकीकत हकीकत। ड्रीम से तो अब मैं जागी हूँ अम्मा जी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं जानती हूँ मैं बहुत ओवर हो गई थी, पर मैं आपसे बिग बिग माफी मांगती हूँ, अब मैं आपको अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी बदतमीजी पे लॉन्ग लॉन्ग शर्मिंदा हूँ, रानिया मेरी सिफारिश कर दो ना। सिफारिश? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। माजी, माजी मेरे गांव में ना ऐसे लोगों को ना बीड़ी वाले बाबा के पास लेकर जाते हैं, वो ना जिन निकालते हैं लोगों का, और उनका तरीका थोड़ा डिफरेंट है, तिनके वाले झाड़ू से ना शाम को झाड़ते हैं, लेकिन जिन चाहे विलायती क्यों ना हो भाग जाता है।
जान निकलती होना दी स्वीटी स्वीटी जी। हाँ हाँ मजाक कर रही है ना, मुझे पता है आप मजाक कर रही है, वैसे आपके मजाक ना बड़े मोटे होते हैं ना। नो मजाक नो जोक, आई एम वेरी सीरियस। न पर क्यों सीरियस, तेरी तो बैठे बैठाए जू नहीं बदल गई है। बस गलती हो गई, तो भी बताओ ना अम्मा जी को कि स्वीटी कितनी स्वीट नेचर की मालिक है। अच्छा ये तो ब्रेकिंग न्यूज हो गई अम्मा जी, ब्रेकिंग न्यूज आई है। चलिए ऐसा करते आप ना कुछ दिन मुझे नोट करें, 10-15 दिन देखें, फिर आप ना खुद चीख चीख कर पूरी दुनिया को बताएंगी कि मेरी स्वीटी दुनिया के सबसे अच्छी बहू है, और फिर आप ना खुद मुझे अपना जान नशीन बना लेंगी। दबीर, जान नशीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओ पता नहीं जी, मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरा तो दिमाग माउफ हो गया बिल्कुल, ना उर्दू की समझ आ रही है ना अंग्रेजी की समझ आ रही है, तो सिर्फ हैरत ही हैरत हो रही है। अम्मा जी मैं जरा चूंडी बढ़ो, मैं कितने ख्वाब तो नहीं देख रहा। आदम खोर हो गई है तू, है मेरे कलेजे के टोटे की तू फट छड़ी है तू। है अम्मा जी, जैसे भी हूँ आपकी स्वीट सी स्वीटी बहू हूँ। घड़ी की सुइयां तूने कभी उल्टे चलती देखी? नहीं, आगे बढ़ती है पीछे नहीं जाती, जिंदगी भी यूं आगे बढ़ती है अपने अंजाम की तरफ। परेशान ना हो मियां जी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, अल्लाह बेहतर करेगा। मियां जी ने ना आज तक कभी ऐसी बातें नहीं की बेबो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, हिम्मत हौसला जवाब दे रहा है मेरा। भाभी आप तो हमेशा से इतनी डरपोक हैं, अपनी बेटी से भला कुछ सीख लें। कुछ नहीं होगा मियां जी को, मेरा दिल कहता है, और हम ना मियां जी को कोई बहुत बड़े अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। किसी डॉक्टर के पास मियां जी का इलाज नहीं है बेबो, मियां जी का इलाज उनके अपने बेटे के पास है। बेटे से दूरी का गम खा रहा हूं मैं, जवाब देगी उनकी हिम्मत, पर मियां जी ना हमारी वजह से माफ नहीं कर पा रहे। तुम गई नहीं आज, छुट्टी है क्या? नहीं, एक ही क्लास है, 12 बजे स्टार्ट होगी, इतनी जल्दी जाके क्या करूँ, आराम से जाऊंगी। ठीक है, मैं काम करती हूँ, माहिर भाई को कहती हूँ तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। रहने दो अपने माहिर भाई को, मैं नहीं चाहती कि मेरे बहाने वो अपनी सतीली माँ से गाड़ी दे, वैसे भी हम आज चाचा से ले लिए मैंने बाइक की चाबी। वैसे बेचारे माही भाई के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। कोई इतना भी जुल्म नहीं हो रहा, तुम्हें अभी पता नहीं है सुतेली माए क्या क्या करती हैं बच्चों के साथ। स्वीटी आंटी ने तो फिर भी होला हाथ रखा, उनसे कहो बर्दाश्त कर। तुम्हें नहीं लगता तुम मेरे भाई के साथ कुछ ज्यादा ही रूड हो रही हो? नहीं, तुम्हारा भाई ना मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं उससे नाराज हूँ या रूड हूँ। खैर छोड़ो, तुम बताओ मेरे भाई से मुलाकात हुई, आया था जॉगिंग पे? हाँ वो तो रोजाना ही आते हैं जॉगिंग पे, लेकिन सच पूछो रानिया तो मुझसे ना ये सुबह सुबह नहीं उठा जाता, आँख ही नहीं खुलती यार, क्या करूँ? वैसे तौबा है, आजकल की लड़कियां ना बहुत ही नाशुक्री हैं, इतना अच्छा प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर तुम्हें मिल रहा है, तुम्हारी नखरे खत्म नहीं हो रहे। नहीं नाशुक्री की बात नहीं है, वो बस ये थोड़ी सी सुस्ती है, अब क्या करूँ, हमाद मामू का थोड़ा तो असर आएगा ना। मियां जी का अगर शहर में अच्छे से इलाज हो जाए तो ठीक हो जाएंगे। मां भी ठीक ही कह रही थी, मियां जी ने भाई को अपनी जिंदगी से निकालने के लिए जो पत्थर दिल पर रखा था, आज वो इतना वजनी हो गया कि मियाँ जी को सांस भी नहीं लेने दे रहा।
मुझे भाई को बुलाना पड़ेगा। आगे ही आगे और आगे बढ़ने की धुन सवार थी मुझको। अगर मेरे बाप ने मुझे अच्छी तालीम दिलाई ना, तो सिर्फ इसलिए कि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं। लेकिन मेरे सर पर अमीर आदमी बनने का जुनून सवार था। मेरी पहली जॉब जो थी बस चंद हजारों की थी, जो कि मेरे मायार से काफी नीची थी। मेरा दिल बड़ा बोझल था, लेकिन मेरे कनात पसंद बाप बहुत खुश थे। जबकि मैंने सोच लिया था कि अगर कोई भी शॉर्टकट का मौका मिलेगा ना, तो वो मौका मैं हरगिज नहीं गवाऊंगा। शादी के बाद मैं अपनी बीवी को अपने बाप और बहन के पास छोड़कर वापस शहर आ गया। जब इत्तेफाकन हादसाती मेरी जिंदगी में मेरी बॉस की बेटी आ गई। अब वो एक तलाक याफ्ता खातून थी, उम्र में मुझसे बड़ी, लेकिन मैं जानता था कि अगर वो मेरी जिंदगी में शामिल हो गई ना, तो मैं वो सब कुछ पालूंगा जिसकी मुझे चाहत थी। उन दिनों मैं अपनी बीवी को भूल गया था, बिल्कुल भूल गया था। आपको आपको ये सब करते हुए अपनी बेटे का भी ख्याल नहीं आया? मैंने तो उसकी सूरत भी नहीं देखी थी। फिर मैं उन सबको छोड़कर हुस्ना से शादी करके दूसरे मुल्क चला गया। और अब इतने बरसों बाद उसका सारे का एहसास सता रहा है। मैं उन बंद केवाड़ों को बजा रहा हूं जो मुझ पर हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आपको पता है जिन लड़कियों के सर पे बाप की शफकत की मोहब्बत का साहिबान नहीं होता, वो कैसी जिंदगी गुजारती? जितनी भी मुकम्मल क्यों ना हो जाए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती। गलती हुई है मुझसे, बहुत बड़ी गलती हुई है, और उसी गलती को तो सुधारना चाहता हूं। मैं अपनी बेटी को अपने गले लगाना चाहता हूं, अपने कमजोर बाप के कांधों का बोझ उठाना चाहता हूं। लेकिन उन लोगों को मेरे बगैर जीने की आदत हो चुकी है। मेरा होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। ऐसा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। आज भी आपकी जगह खाली रही होगी, आपके घर वालों की आंखों में आपका इंतजार रहा होगा। शायद थोड़ी सी देर करती वापस लौटने में, लेकिन ये मुमकिन है। आप हिम्मत ना हारे अंकल, दरवाजों पर दस्तक देते रहिए, एक ना एक दिन तो दरवाजा खुल ही जाएगा। आपकी बेटी तो बहुत खुश नसीब है कि उसका बाप जिंदा है, और अब तो उसे मिलने भी वाला। मेरे तो फादर मुझे मिल भी नहीं सकते, लेकिन आपकी फैमिली ना आपसे ज्यादा देर नाराज नहीं रहेगी। अगर रहेगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ जाऊंगी, जाके बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी कि आपको माफ कर दे, वो कर देंगे। बहुत शुक्रिया बेटी, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हौसला दिलाया,
एक उम्मीद की किरण दिखाई मुझे, वरना मैं तो वाकई मायूस हो चुका था। बस जब जब कोई हौसला हारने लगता है ना, वहीं से तो मेरा काम शुरू होता है, हैं? अच्छा अंकल, अब मैं चलती हूँ, देर हो रही है। आओ प्लीज। कहाँ जा रही हैं आप? भी तो आइए, बैठिए तो सही। नहीं, बहुत देर हो गई है, अम्मा जी वेट कर रही होंगी। मैं उनसे कह के आई थी कि मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ। अच्छा, आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। आप अकेले कैसे जाएंगी? आ जाए। मैं अकेले थोड़ी ना आई हूँ, अंजुम बाजी के साथ आई हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई है किचन में, कह रही थी कि चंबेली के कोफ्ते बनाने, अभी तक तो बन जाने चाहिए थे। चंबेली नहीं, नरगिसी कोफ्ते। ओह अच्छा अच्छा, वही वही। आप क्या देख रहे हैं डॉक्टर साहब, प्लीज बुला देना उन्हें, देर हो रही है। ओ हाँ, मैं बुलाता हूँ, जल्दी जरा आए। पेपो, की गल है, किसे कॉल कर रही है? खैर है? ऐसे खैर है ना पक्का? अम्मा जी, आज क्या खाना पकवाना है आपने बताएं मुझे। मैं जानती हूँ आप मुझे बहुत निकम्मा समझती हैं, मगर मैं इतनी निकम्मी भी नहीं हूँ। आप जो कहेंगी ना, मैं आपकी हिदायत के ऐन मुताबिक सारी दालें, वेजिटेबल्स सब बनवा दूंगी। आप बस मुझे बताएं आपने क्या खाना। हाला, ओ तू तो फिर बड़े अच्छे वक्त पे आ गई है, क्योंकि जो खाना पकाने वाली है ना, उसने आज छुट्टी कर ली है। तो तू इंज करके निगरानी ना करें, आप पका दे खाना आज। कढ़ाई चिकन बना दे जी। आहो, कढ़ाई चिकन ठीक रहेगी। चिकन कढ़ाई? अजाब मुसीबत, हनी तूने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। हाँ है, अम्मा जी तुसी कल्ले क्यों बैठे हुए हो, हैं? और रानिया भी नहीं अभी तक आई, किधर हमारे फैमिली मेंबर्स? तेनू की है, तेरे टेढ़े चूमर और हो रहे ने। अम्मा जी आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे पता नहीं मैंने क्या पूछ लिया है। वैसे बुरा मनाने वाली तो कोई गल नहीं थी। बुरा मनाने वाली गल है ना, परौनी आई है तो खाना पका रही है, तो तेन तो परवाह ही नहीं कोई। बड़ी परवाह है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। एक मन होमवर्क मिला हुआ है बच्चों को, और उनके टेस्ट शुरू होने वाले, मैं पढ़ा रही हूँ। चलो तुम दोवे जाके रल मिल के जाओ, खाना पकाओ। आहो सौ बिस्मिल्लाह अम्मा जी। बाजी आप जाएं किचन में, बस तीन चार निके निके काम करने, उसके बाद मैं आपको ज्वाइन करती हूँ, है? ओके। टीपू मानो। लड़का तो ये भी इसी घर की तरह शानदार है, बस एक ही बुराई है, सौतेला बेटा है, मगर प्रॉपर्टी भी तो इसी के कब्जे में है। अगर घर के साथ साथ इस लड़के पर भी कब्जा हो जाए तो मेरी हनी का फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। ये हमारी फैमिली के लिए दूसरा दबीर साबित होगा। रोको रोको भाई, क्या बदतमीजी है, सामने क्यों आ गए हैं? मरने का अगर इतना ही शौक हो रहा है तो किसी ट्रक के सामने जाके खड़े हो, और ट्रक भी वो जिसकी ब्रेक्स फेल हो। बकवास बंद करो रानिया, टाइम देख रही हो क्या हो रहा है? तुम्हारी यूनिवर्सिटी तो कब की खत्म हो जाती है, तुम कहाँ थी? क्या बात कैसे कर रहे हैं मुझसे? मैं किसी के रोब में आने वाली नहीं हूँ, आई समझ? जानता हूँ मैं, मेरे सवाल का जवाब दो, कहाँ थी तुम? डॉक्टर बात से क्या, बस अब हटे आगे से। क्यों क्यों गई थी उस डॉक्टर के घर पे, ऐसी क्या आफत आ गई थी? क्यों बताऊं आपको क्यों गई थी, प्रॉब्लम क्या है आपका? तुम हमारे घर में रहती हो, हमारी जिम्मेदारी हो, तुम्हारी मदर और तुम्हारे मियां जी को हम जवाब दें, पर ना मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी चौकीदारी करने का। ठीक है, आज वाकई देर हो गई, आइंदा नहीं होगा। एक सेकंड, तुम फिर जाओगी उस डॉक्टर वासिक के घर? आपका प्रॉब्लम क्या है, मेरा लेट आना या डॉक्टर वासिक के यहाँ जाना? आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? हाँ खैर जो भी है, मैं इस वक्त बहस में नहीं पड़ना चाहती, थकी हुई हूँ। ठीक है, जा। मैं तुम्हारे लिए इतनी देर से परेशान हूँ,
इधर उधर टहल रहा हूँ, तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है? मैंने कहा था आपसे परेशान होने के लिए या इंतजार करने के लिए? दादी की बात कर रहा था मैं। ओके, फिर मैं अम्मा जी से ही बात कर लेती हूँ। और आपके इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं अम्मा जी को इन्फॉर्म करके गई थी। सुनो, तुम्हारे लिए परेशान मैं था, इधर से उधर मैं टहल रहा था, और वजाहतें जाकर तुम दोगी दादी को? तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है रानी? तुम हर जगह अकेली क्यों चली जाती हो? तुम मुझे बताती, मैं खुद तुम्हें ले जाता उस मकार के पास। क्या बोले जा रहे हैं? बैठे बिठाए उस बेचारे मासूम इंसान को आपने मकार बना दिया। हर किसी में कीड़े निकालते हैं ना, खुद के अलावा सब में बुराई नजर आती है। बदल जाए, सुधर जाए। ये जो आपकी अमेरिकन अम्मा भेजी गई है ना, ये आप पर अजाब की तरह नाजिल की गई है, तीर की तरह सीधा कर देंगे आपको। मैंने वासिक के लिए जरा सी बात क्या कह दी? तुम इतना आपे से बाहर क्यों हो रही हो? वासिक नहीं, डॉक्टर वासिक, तमीज से नाम नहीं उनका। और हाँ, हो रही हूं मैं आपे से बाहर, इसलिए आइंदा एहतियात कीजिए। और मुझे ना अपनी जिम्मेदारी समझना छोड़ दी। खुदा की फजल से मेरे सरपरस्त अभी सलामत है, तो कब का हॉस्टल शिफ्ट हो चुकी होती अगर अम्मा जी ने मुझे अपनी मोहब्बत का वास्ता नहीं दिया। तेरे आने से हो याने बहार, दिल नची जावे धक धक के।